चाय पानी माली। लक्ष्मी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नव्यांश वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी को मैंने चाय दे दिया है एंड सभी लोग अभी गए हैं स्नान वगैरह करने के लिए, सब रेडी होंगे। एंड इन लोग का मंदिर जाने का प्लान है। ये लोग मंदिर जा रहे हैं सिंहेश्वर स्थान, यहाँ का फेमस मंदिर है। यहाँ मेरे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सो वहाँ पर सभी जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। एंड मेरी छोटी दीदी का बेटे का मुंडन है, सो इसी पर्पज़ से वो लोग यहाँ पर आए हैं एंड आज जा रहे हैं मंदिर। वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, मुंडन होगा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे बड़ी दीदी रेडी हो चुकी है और जीजा जी भी रेडी हो चुके हैं। छोटी दीदी रेडी हो रही है, रियांश वहाँ पे उनको तंग कर रहा है। और यहाँ मेरे मिस्टर जी जो है भैया भाभी से बात करने में लगे हुए हैं। उसके बाद ये भी रेडी होंगे। कब दर्शन होगा आप हमको? दर्शन कब होगा? यहाँ पर सभी मंदिर पहुँच चुके हैं, पूजा पाठ हो चुका है। अब जो है मुंडन सेरेमनी स्टार्ट हो रहा है। जी लोग जो है सर मंदिर गए हुए हैं, तो उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। तो तब तक मैं जा रही हूँ रियांश को लंच करा दूँगी। एंड आज मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, उनका इंट्रो उन्हीं की जुबानी। सो वेट एंड वॉच। सो सब आ चुके हैं घर पे। अब मैं जा रही हूँ, सबको ठंडा पानी दूँगी एंड सबका लंच ही कराऊँगी। सो गाइस, यहाँ पे सब लंच वगैरह करके फैन के नीचे ठंडा ठंडा हवा खाकर रिलैक्स हो रहे हैं। छोटी दीदी का सर में दर्द हो रहा है, मंदिर से आई है धूप में पूरा। बड़ी दीदी रिलैक्स है, ये लाइट ऑन हो गया। और जीजा जी सिविल ड्रेस में है इसे जी। और मेरे स्वामी जी और ये मेरा लल्ला हमेशा एनर्जेटिक रहता है, एनर्जी से फुल। लड्डू खोलने के लड्डू नहीं मिला, दो लड्डू आते के साथ दो लड्डू तुरंत कटक गया। मैं लड्डू गोपाल। लड्डू खाना है। अच्छा बेटा, यम्मी यम्मी था ना? कितना लड्डू खाया? लड्डू खाना है। कितना लड्डू खाया? टू लड्डू खाया ना। पता नहीं बेटा, मम्मा को भी खाना है। तो यहाँ पे सबका चिट चैट चल रहा है। क्या बेटा? सब यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं लंच खाकर दोपहर के टाइम में। सब अभी नैप लेने वाले हैं। प्रभाती सुना है?
जिया जी सोच रहे आंसर की एक लाइन में कैसे खत्म करें। जिया जी जो 10 साल भी याद नहीं किया वो भी याद किया। हाँ 10 साल के बाद जिया जी बात हुआ वो भी मेरे वजह से। क्या बेटा मेरा बेटा का चोखा बन रहा है। यहाँ पर छोटी दीदी जो है मंदिर से आकर सोई हुई है और मीठी जो है उनके हाथ में मेहंदी लगा रही है। मीठी को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अभी सीख ही रही है। सो वो जितना हो सक रहा है उसे मतलब मेहंदी लगा रही है वो। सी गाइस चीज को ठीक करना है, जगह लगाना है एंड उसके बाद मैं फ्रेश होंगी एंड सबके लिए फिर नाश्ता बनाना है, चाय बनाना है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एंड ये सारे कपड़े जो है छत पर से मैं उतार कर लाई हूँ एंड सबको मुझे फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं चना दाल का पकौड़ी बना रही हूँ एंड उसके बाद एक तरफ मैं आलू चप छान रही हूँ और साथ में झाल मुड़ी है एंड एक एक समोसा है। सो सभी को मैं नाश्ता बनाकर दे रही हूँ अभी। गाइस मेरी दोनों दीदी जो है बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ज़्यादा केयर करती है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है एंड आल्सो जीजा जी भी बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड सपोर्टिंग है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन लॉज मिले। दोनों किड्स जो है अभी यहाँ पे इवनिंग स्नैक ले रहे हैं। ये लोग रसमलाई खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग बॉर्नविटा पियेंगे। इवनिंग स्नैक खाने के बाद अभी इन लोग का प्लेइंग टाइम चल रहा है। क्या कर रहे डिगू? किसमें? ट्री में। Thank you.
लोग नाश्ता करके चाय पीकर गए हैं बगल में घूमने के लिए दीदी जीजाजी सब, एंड थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक मैं जा रही हूँ डिनर का प्रिपरेशन करने। किड्स वगैरह यहाँ पे खेल रहे हैं, सो मैं यहाँ बाहर में बैठी हुई थी। सो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये है मेरी बड़ी दीदी, इनका नाम प्रभा देवी है और ये पूर्णिया चंपानगर की रहने वाली है। सो दीदी बताइए आप। हमारा अपनी छोटी बहन के लड़का का मुंडन था। दीदी चलो, हम छोटी बहन के साथ में आए हैं। उनका बड़ा लड़का का मुंडन था, उसमें फुआ मौसी सब आती है और फुआ मौसी वही खोंचा लेती है, इसलिए हम आए हैं और सब खोंचा हम लिए हैं और गए थे। हाँ गए थे सिंहेश्वर थान, वही मंदिर में पूजा हुआ, वहीं पर लोग मुंडन लिए, मुंडन हुआ। हाँ हम लोग खोंचा में लिए, ऐसे करके खोंचा में सब लेते हैं, उनका विधि इसी तरह मुंडन लेते हैं करते हैं। फिर पूजा पाठ किया, पूजा पाठ किए, फिर वहाँ से अपना आए आके आज ठाकुर स्थान भी गए थे, वहाँ भी पूजा किए, पूजा करके फिर हम लोग आए अपना। ये मेरे नंदोसी जीजाजी। मैं बांका जिला से मौसी गाँव से आया हूँ। मैं पेशे का अधिवक्ता हूँ जमीलपुर बांका में। हमारे बेटे का मुंडन था, हमारा ससुराल सौर बाजार सहरसा है। हम लोग मधेपुरा जिला में सिंहेश्वर स्थान में अपने बच्चे का मुंडन कराए। मुंडन में हमारी पत्नी, हमारी बड़ी सरहज, हमारी बड़ी जेठ सास और भतीजी खुशबू, भतीजा प्रेम कुमार अकेला और छोटा साला अमित बिहारी जी थे और एक सराज और थी, तीसरी नंबर सराज थी जिसको हम लोग नीच में बलवा वाली भाभी बोलते हैं। ये लोगों के साथ वहाँ मुंडन हुआ। मुंडन का बाल हमारी जेठ सास ने अपने खोचा में ली। मुंडन करने के बाद बाबा सिंहेश्वर स्थान का पूजा की। बड़ा बेटा जो पूर्णिया में पेप्सिको कंपनी में ASM है, उन्हीं का मुंडन था। और ये है मेरी की क्या जी? मुझे एक मंत्र से शादी लव हुआ, लव के बाद मैंने लव अरेंज करके शादी किया। दिया जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये मेरी सबसे छोटी दीदी, मतलब मेरी छोटी ननद, हाँ हम तो खूब छोटी है, मुन्नी दीदी, एंड इन्हीं का बेटा का मुंडन था। सो ये मौसी की रहने वाली है देवघर, एंड ये जीजा जी बगल में लेटे हुए हैं रिलैक्स होकर। सो क्या तो गाइस मैंने आपको सबसे मिलवाया, ये मेरे दोनों दादा जो हम लोग को बहुत प्यार करती है एक गार्जियन के रूप में। सो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, एंड मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ बना रही हूँ एंड उसके बाद मैं डिनर निकालूंगी, सब डिनर करेंगे। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो से एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Thank you.